और क्या इस बाइक में सच में इतना माइलेज मिलना पॉसिबल है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हम अपनी SP125 बाइक को इको मोड में चलाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा और उस टाइम हमें कितना माइलेज मिल सकता है। तो कल जो मेरा एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस रहा, बस वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी क्लियरली और ये आपके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल हो ही जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक के मीटर में दिखा देता हूँ कि मुझे कितना माइलेज मिला और कैसे मिला, किन हालातों में मिला, किन रास्तों पर मिला और मैंने बाइक कैसे चलाई जब ये माइलेज मुझे मिला। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हम कल जो मैं बाहर जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तो वहाँ पर से जो है मैं लगभग 50 किलोमीटर के आसपास जो है जाकर आया। हाँ, उसी टाइम जो है मुझे वीडियो बनाकर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन जो है पॉसिबल नहीं हो सका, तो अभी बना रहा हूँ। तो माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो माइलेज आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं 78.5 जो कि ये मुझे माइलेज मिला है। और कल जो इससे ज़्यादा मिला था, लगभग 82 के आसपास था, मॉर्निंग में 80 के आसपास था, आप वो भी देख सकते हैं। 82 का जो माइलेज मिला था उसका जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया और ना ही कोई फ़ोटो निकाल पाया, लेकिन 80 का जो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो मुझे 80 का माइलेज मिला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मुझे कैसे मिला और क्या इस बाइक में सच में इतना माइलेज मिलना पॉसिबल है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। ये कोई एडिट किया हुआ नहीं है, जो भी है रियल है, आपके सामने है। और अभी ऑन करके भी दिखाता हूँ, क्लियर आप देख सकते हैं, इसमें कोई जो है एडिटिंग वगैरह कोई फेक कुछ भी नहीं है, जो भी है रियल है। और हाँ, ये 100% करेक्ट होगा, ऐसा भी नहीं है यार, यानी कि जो है ये डिजिटल चीज़ें है तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इसको जो है 78 मत मानो, आप 75 तो मान सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये माइलेज मुझे मिला कैसे, यानी कि मैं कल अपने एक रिश्तेदार के घर पर गया था कि हमारे गाँव से, वो लगभग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जाकर मैं आया 50 किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर के आसपास है। तो हम जो है ट्रिपल सीट गए थे, और रीज़न क्या है इतना ज़्यादा माइलेज मिलने का, तो वो रीज़न है बाइक जो है उस टाइम इको मोड में काफ़ी चली थी, यानी कि बाइक की उस टाइम स्पीड लगभग जो है 30 से 60 के बीच में ही थी, ना ऊपर गई ना ज़्यादा नीचे आई, एकदम काफ़ी जो है अच्छा रास्ता था, काफ़ी सही रास्ता था। तो उस वजह से होता क्या है, हम जो है अपने बाइक का क्लच और ब्रेक जो है उसको काफ़ी कम यूज़ करते हैं, तो इसको भी अगर हम कम यूज़ करते हैं तो इसका भी माइलेज पे जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इसको जितना हम कम यूज़ करें तो उतना जो है अच्छा माइलेज हमें अपने बाइक में मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है, और साथ ही में मेरी बाइक में मुझे इतना जो माइलेज मिला है ये मैं सोच कर नहीं गया था, लेकिन जो है हम जो है ट्रिपल सीट थे तो उस वजह से जो है बाइक इतनी ज़्यादा भगा नहीं सकते थे, और रास्ता काफ़ी सही था, तो जो है एक दूसरे से बातें करते करते हम चले गए थे। तो उस टाइम जो है स्पीड काफ़ी कम थी, और जाने अनजाने में ये जो है काफ़ी सही माइलेज मुझे मिल गया, और एक जो है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई, यानी कि इस बाइक को अगर हम 30 से 60 के बीच में भी चलाएं और या फिर इसका जो है इको मोड अगर इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेहतर इसमें माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इतना माइलेज इस बाइक में मिलना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये बाइक जो है माइलेज के लिए ही बनाई गई है, इसका जो ये टायर छोटा दिया है कंपनी ने, ये इसीलिए दिया है कि इस बाइक में जो है माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिल सके, और इसका वेट भी कम इसीलिए है क्योंकि इस बाइक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को माइलेज मिल सके, तो यही रीज़न है टायर छोटा होने का और साथ ही में जो है इस बाइक का कम वेट होने का, क्योंकि ये जो है माइलेज के लिए ज़्यादा सोचकर बनाई गई बाइक है। तो इसमें जो है काफ़ी बेहतर माइलेज मिल जाता है, और कैसे यह तो आपको पता चल ही गया होगा, मेरा जो एक्सपीरियंस था हम ट्रिपल सीट होने के बावजूद भी इतना जो है माइलेज मिल गया। कल जो था 82 था, और अभी जो है कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर वैसे रास्ते नहीं है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है काफ़ी सही रास्ते थे, इको मोड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चली तो उस वजह से काफ़ी सही माइलेज देखने को मिल गया। तो अगर आप भी इस बात को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप भी अगर अपनी बाइक को इको मोड में चलाते या फिर 30 से 60 जो स्पीड है वहाँ पर चलाते और उस पर लोड नहीं देते, बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते तो आपको जो है काफ़ी अच्छा माइलेज
देखने को मिल सकता है, अपनी बाइक से काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो यहाँ तक वीडियो देखा उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी मुझसे। और मेरा जो एक्सपीरियंस था कल जैसा मेरे साथ हुआ, यानी कि जैसा मुझे माइलेज मिला और उसका रीज़न क्या था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिससे आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है और आपको भी पता चल गया होगा कि अगर आपको अपनी बाइक में इस तरह का यानी कि इतना माइलेज चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही में जो है अपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इको मोड का लाइट आपको पता ही होगा, ये तो सभी को पता है, SP125 जो भी यूज़र है उसको जो है इको मोड पता होगा। तो ये लाइट जो है, कोशिश करना अगर आपको बेहतर माइलेज चाहिए तो ये जो लाइट है ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रहे, बस इतनी कोशिश करना, आपको सही माइलेज मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।